गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इन टूडेज क्लास पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो फोर फॉर्म्स होती हैं, और उनमें से जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे गो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं या प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जैसे कि इसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट, उसको हम पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट बोलते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है वो आपके सामने है, और उसका नेम क्या है, पास्ट है। पास्ट क्यों कहते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म को? वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट इसलिए कहते हैं कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो पास्ट के जनरल एक्शन बताती है, पास्ट टाइम में हुए किसी भी एक्शन को बताती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम किस लिए यूज करते हैं, तो कहा जाएगा कि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को यूज करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, सामान्य जानकारी देने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो यहां बात आती है कि होना और ना होना। जब भी हम बात करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं, या तो हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ये बताते हैं कि हुआ क्या था, पॉजिटिव जानकारी देते हैं, या फिर हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या नहीं हुआ, नेगेटिव जानकारी देते हैं, या फिर हम जानकारी देते नहीं है, हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो किसी भी बात को जब हम करते हैं तो तीन स्टाइल में करते हैं, या तो कोई क्वेश्चन कोई या तो कोई जानकारी देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, या कोई जानकारी नकारात्मक रूप में देते हैं कि क्या नहीं हुआ, नेगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव जानकारी देते हैं ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब हम नेगेटिव जानकारी देते हैं ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। शायद आपको इतनी जानकारी पहले से होगी, बेसिक है ये, 6th, 7th, 8th क्लास की बातें हैं। तो अब यहां एक बात और आ जाती है कि जब हमें जनरल इंफॉर्मेशन देनी है ना, पॉजिटिव बात करनी है, तो केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हमें कोई नेगेटिव जानकारी देनी है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू या डज के साथ में नॉट को यूज किया था, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकेंड सॉरी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। और जब थर्ड टाइप का हमारा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये थ्री स्ट्रक्चर्स आप नोट करते रहिएगा, है ना। नोट तो आप डेली करते ही है ना, क्लास स्टार्ट होते ही आप नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आप शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी पढ़ने वाले हैं नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में, है ना, सभी को बताया करो कि भाई गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो इंग्लिश बाय अश्विनी ऐप, फ्री में पढ़ाई होती है, 50 वीडियो आ चुकी हैं लगभग, है ना। चलिए, तो यहां तक की बात हमारी हो गई कि सिंपल सेंटेंस जनरल इंफॉर्मेशन देनी है पॉजिटिव वे में, तो हम सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। कोई नकारात्मक बात बतानी है पास्ट से रिलेटेड, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। और अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्ट से पहले ऑग्जिलरी वर्ब डिड को हम लिख लेंगे। और जब हम डू डज या डिड को यूज करते हैं तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म आती है, केवल वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये तो तब है कि डिड को हम तब यूज करते हैं जब एक्शन वर्ब हो, जब हमें कोई एक्शन नहीं बताना तो फिर सिंपल हम पास्ट की जानकारी देने के लिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल जानकारी देना चाह रहे हैं, तो फिर पास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर्ब को यूज करते हैं। अब वॉज किसके साथ में, सभी सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन, आई, ही, शी, इट, इनके साथ में वॉज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और वर्ब किनके साथ में, सभी प्लुरल के साथ में, वो वी हो, यू, दे या कोई और हो, जो भी प्लुरल होंगे उनके साथ में वर आता है सिंपली, है ना, सिंगुलर होगा वॉज आएगा। अच्छा, वॉज वर के साथ में फिर हम कोई वर्ब नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब,
चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट वो हिंदी माध्यम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं बता देता हूँ कि पास्ट सिंपल या जो पास्ट इंडेफिनिट हमारा होता है उसके हिंदी अनुवाद करने पर हिंदी में ता था ती थी जैसे शब्द आते हैं, ता था ती थी ते थे, है ना, या फिर गया, है ना, गई, आ ई ए, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जो हम यूज करते हैं वो केवल जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। तो चलो बेसिक आपका हो गया है, अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका ही टू द पार्टी यस्टरडे। देखिए यस्टरडे यहां पर पास्ट टाइम को शो करने वाला एक वर्ड है। अगर आपको इस तरह के वर्ड मिले तो हमेशा सेकंड फॉर्म ही, यानी कि बात पास्ट की हो रही है। यस्टरडे का मतलब कौन सा समय, अब का कि अब से पहला। यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जैसे यस्टरडे आ जाए, है ना, लास्ट के साथ में कुछ और आ जाए जैसे लास्ट डे, है ना, या लास्ट वीक, या फिर लास्ट मंथ, है ना, या फिर लास्ट ईयर, इस तरह के अगर कोई वर्ड आ जाए, या लास्ट नाइट, है ना, अगर ऐसे कोई वर्ड आएंगे तो पक्की बात है कि जो वर्ड है ना ये पास्ट के टाइम को शो कर रहे हैं। और अगर किसी एक्शन को होना पास्ट के टाइम में हुआ है तो उसके लिए आप केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे, ठीक है ना। हिंट आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या है, ही गॉज की वेंट। भाई जब यस्टरडे पास्ट का हिंट है तो फिर तो सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो आपका सेंटेंस हो गया ही वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, कल वह पार्टी में गया था। नेक्स्ट, द मीटिंग वेरी स्ट्रेसफुल। मीटिंग बहुत तनावपूर्ण रही, एक्शन कुछ नहीं हुआ, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वॉज वर में से क्या यूज करेंगे, मीटिंग सिंगुलर है तो वॉज आएगा कि वर। भाई वर तो तब आता ना जब वर प्लुरल होती, सॉरी सब्जेक्ट प्लुरल होता। यहां हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल मीटिंग के बारे में, और मीटिंग है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी वॉज। द मीटिंग वॉज वेरी स्ट्रेसफुल, मीटिंग बड़ी तनावपूर्ण रही, बड़े दबावपूर्ण रही, स्ट्रेस मीन्स दबाव। माई मिस्टेक्स, मिस्टेक्स और मिस्टेक दो अलग अलग वर्ड हैं। मिस्टेक सिंगुलर वर्ड है, मिस्टेक्स प्लुरल वर्ड है। मिस्टेक का मतलब है एक गलती, मिस्टेक्स का मतलब है एक से ज्यादा गलतियां। जब एक से ज्यादा गलतियों की बात कर रहे हैं तो फिर वर्ब हमारी सिंगुलर होगी कि प्लुरल होगी, भाई वर्ब तो फिर प्लुरल ही होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, शी एट द पार्टी यस्टरडे, शी एट द पार्टी यस्टरडे, तो यहां एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है तो डिड का यूज करेंगे कि वॉज का यूज करेंगे। देखिए अगर हम डिड का यूज करना चाहें तो डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखाइए क्या यहां पर इस सेंटेंस में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। भाई शी, अगर हम इनको अलग अलग करके देखें तो शी आपका हो गया प्रोनाउन, किसी का नेम के बजाय हमने शी बोला। एट आपका हो गया प्रेपोजिशन, है ना, एट इन ऑन प्रेपोजिशन होते हैं ना। द आपका हो गया आर्टिकल, पार्टी नाउन है, है ना, पार्टी कोई चीज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो नाउन होता है। और यस्टरडे टाइम को शो करने वाला वर्ड है, यानी कि एडवर्ब है। टाइम और प्लेस को शो करने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, तो यानी कि यहां पर वर्ब कोई है ही नहीं। जब वर्ब है नहीं तो डिड का यूज कैसे करें, क्योंकि डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड क्वेश्चन बनाएगा तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी आएगी इसके साथ में, क्योंकि डिड तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि डिड को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, वॉज को यूज करना होगा। वॉज शी एट द पार्टी यस्टरडे, क्या वह कल पार्टी में थी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मेट, हम मिले थे, इन लास्ट मंथ, ऑन लास्ट मंथ, या नो प्रेपोजिशन। यहां पर क्या आप यूज करना चाहेंगे, इन आएगा, ऑन आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। देखिए ये पॉइंट भी वर्थ नोटेबल है कि जब आप लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करें, या फिर लास्ट के बजाय नेक्स्ट का यूज करें, आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ऐसे वर्ड के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आप अपना नोट कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट के साथ में अगर टाइम होगा, फिर से समझ सकते हैं, नेक्स्ट और लास्ट
के साथ में अगर कोई टाइम को शो करने वाला वर्ड होगा तो इनसे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ना इन हुआ ना ऑन हुआ, बल्कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है। वी मेट लास्ट मंथ, हम पिछले महीने मिले थे। नेक्स्ट, इट टू मी क्या आना चाहिए, हैपन्ड और हैपनिंग। देखिए हमें एक बात और मालूम है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, अगर ये वर्ब है तो जो हमारी आईएनजी फॉर्म है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती जब तक उसके साथ में बी की कोई फॉर्म न आए। हम जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको चौथी फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जो है, अगर वो मेन वर्ब किसी सेंटेंस में होगी तो उसके साथ में बी की फॉर्म जरूर आनी चाहिए। आप पूछोगे सर बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो भाई बी की फॉर्म होती है इज आर एम, प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए, और वॉज वर पास्ट टाइम को शो करने के लिए। तो अगर हमें आईएनजी फॉर्म को यूज करना होता तो इज आर एम वॉज वर यूज करते पक्का। और आईएनजी फॉर्म बताती है, आईएनजी फॉर्म का नेम बताइए क्या है, जो वर्ब की चौथी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म है उसका नेम क्या है, उसका नेम है कॉन्टिन्यूस। तो आईएनजी फॉर्म बताती है कि एक्शन चल रहा है, लेकिन यहां हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज आर एम वॉज वर्ब नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट होगा इट हैपन्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ घटित हुआ था। हैपन मींस क्या होता है बताइए, हैपन मींस होता है घटित होना या होना, ठीक है ना, ऐसा मेरे साथ घटित हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस, द पेन ऑन द डेस्क, पेन डेस्क पर। अब यहां हमें देखना है ऑप्शन पहले वाला हम यूज करें कि सेकंड वाला यूज करें, ले और लाइड। देखिए मैं आपको बता देता हूं, एल आई ई, लाई मींस झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म है एल आई ई डी, थर्ड फॉर्म है एल आई ई डी, जब इसका मीनिंग है झूठ बोलना। एक लाई मींस है लेटना, क्या है लेटना, लाई सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन, ठीक है ना, लाई ले लेन। अब एक है, अच्छा इसका मीनिंग रखे हुए होना भी होता है, रखे हुए होना भी होता है, लेटना या रखे होना, ठीक है ना, लेटे हुए होना, सीधी सी बात हो गई। और एक तीसरा वर्ड है ले, एल ए वाई, ले मींस रखना, ले मींस किसी चीज को कहीं पर रख देना, सेकंड फॉर्म है लेड, एल ए आई डी, थर्ड फॉर्म भी है लेड, एल ए आई डी। मुर्गी अंडे देती है उसके लिए भी ले वर्ब को यूज करते हैं, ले मींस रखना। अब यहां आपको तीनों वर्ड मैंने बताए हैं, वीडियो पॉज करके आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके पहले समझ लें, बैक करके फिर से देख लें, नोट कर लें क्या बताया था मैंने, और यहां पर राइट ऑप्शन चुनिए। द पेन लाइड ऑन द डेस्क, ये ऑप्शन सेकंड आना चाहिए। अगर ऑप्शन सेकंड हम चुनते हैं तो इसका मीनिंग होगा द पेन लाइड ऑन द डेस्क, पेन ने डेस्क पर झूठ बोला। भाई लाइड मींस झूठ बोलना है, लाई की सेकंड फॉर्म लाइड है ना, यह पेन डेस्क पर रखा हुआ था, रखने वाली फॉर्म चाहिए ना। अब रखना होता है क्या, लाई ले लेन। अच्छा अगर हम ले वाली फॉर्म सोचें कि सर ले मींस रखना है और ले की सेकंड फॉर्म लेड आ जाएगी, तो बात यह है कि पेन ने किसी भी चीज को नहीं रखा, पेन ने रखा नहीं है, पेन रखने का काम थोड़ा ही करता है, पेन खुद रखा हुआ था, इट मींस पेन लेटा पड़ा था। मैंने बताया ना कि लाई की सेकंड फॉर्म ले अगर है तो लाई मींस पड़े हुए होना होता है, लाई मींस पड़े हुए होना भी होता है, तो पेन पड़ा हुआ था डेस्क पर रखा हुआ था, उस सेंस में लाई की सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन ही यूज होती है। तो आपका ऑप्शन वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही टू हर, अब यहां बताइए, उसने उससे, उसने उसको लिटा दिया कि उसने उससे झूठ बोला। भाई ले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसने उसको रखा, और अगर ये सेकंड फॉर्म है तो लेटाना है, तो उसने उसको लेटा दिया कि उसने उससे झूठ बोला, क्या ऑप्शन चुनना चाहेंगे, फर्स्ट, नहीं फर्स्ट तो नहीं होगा,
सेकेंड ऑप्शन होगा उसने उससे झूठ बोला, ही लाइड टू हर। किसी से झूठ बोलते हैं तो लाई के साथ में प्रीपोजिशन टू भी आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आई ऑफन हिम वैन आई वर्क देयर। देखिए, वैन आई वर्क देयर, जब मैं वहां पर काम करता था, इट मीन्स बात पास्ट की बताई जा रही है। जब बात पास्ट की बताई जा रही है तो कहा जा रहा है कि आई ऑफन हिम, मैं अक्सर उससे मिलता था, यानी कि बातें पास्ट की हैं, तो जब पास्ट में ही मैं मिलता हूंगा उससे जब वहां पर काम करता था। तो राइट ऑप्शन क्या चुनेंगे आप भाई? पास्ट वाली वर्ब कौन सी है इसमें से? सी और सा। भाई सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सॉ होती है सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म सॉ को हम चुनेंगे यहां पर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है शी यूजुअली अप वेरी अर्ली। वह यूजुअली वेरी अर्ली। अब आप कहोगे सर वो अभी भी उठ जाती होगी, बात प्रेजेंट की होगी। भाई अगर बात प्रेजेंट की होती तो एक बात का हमें मालूम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किए थे बहुत सारे सेंटेंस, 160 सेंटेंस की प्रैक्टिस मैंने कराई थी टाइम एंड टेंस में, ठीक है। तो अगर शी सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी तो गेट्स आती ना, सिंगुलर ही आती, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, बात समझ में आई? तो यहां पर गेट्स नहीं दिया हुआ है, गेट दिया हुआ है, इट मीन्स बात हम इस वर्ब को यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन है गॉट, और गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यानी कि ये जानकारी पास्ट के बारे में है। शी यूजुअली गॉट अप वेरी अर्ली, वह आमतौर पर बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, ठीक है। यानी कि जो आपका यूजुअली वर्ड है, जनरली वर्ड है, ठीक है ना, डेली वर्ड है, ये पास्ट में भी यूज हो सकते हैं, रट्टा मत मार लेना, है ना। कभी किसी बुक से नोट्स से किसी के रट्टा मार लें कि हमें तो गुरुजी ने बताया था यूजुअली प्रेजेंट में ही आता है, पास्ट में भी आ सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 सेंटेंस हो गए हैं, अब सेंटेंस नंबर 11 की बात करते हैं। बताइए यहां पर क्या आएगा? शी अप वेरी अर्ली, क्या आएगा भाई? सेकेंड ऑप्शन तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर सेकेंड आना होता तो शी सिंगुलर है, वर्ब गेट में भी ऐसा आना चाहिए था, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं आया, फर्स्ट आ गया शी गॉट अप वेरी अर्ली, वह बहुत जल्दी उठ गई। अब अगर आप बात कर रहे हैं सुबह 8 बजे की और सुबह 6 बजे या 7 बजे भी कुछ हुआ है तो वो पास्ट की बात है, पास्ट टाइम की बात है, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट को ही, सेकेंड फॉर्म को ही यूज करते हैं। आई भाई गॉटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम जनरली मेन वर्ब के रूप में अगर यूज करेंगे तो उससे पहले कोई हैज हैव की फॉर्म जरूर आती है ना। बिना हैज हैव हैड के हम थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया। तो क्या बचा? आई गॉट हिज लेटर, मुझे उसका लेटर मिल गया। हिज रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स गुड इनफ थे। अब ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर वॉज दिया हुआ है, वॉज सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब है और हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो प्लुरल है, भाई हमने बात की थी हिज रिजल्ट्स की, तो सब्जेक्ट हुआ हिज रिजल्ट्स जो कि प्लुरल है, तो वर्ब भी तो प्लुरल ही आएगी ना, तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। हिज रिजल्ट्स वर गुड इनफ, उसके रिजल्ट्स पर्याप्त रूप से अच्छे थे। इनफ मीन्स पर्याप्त, जितने जरूरी हैं उतने। नेक्स्ट वर्ड है आई द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। अब यहां हमें मालूम है सी मीन्स देखना, सॉ इस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर सीन यहां पर हमारा ऑप्शन यूज किया जाना हो तो अभी मैंने बताया था कि सीन को हम तब यूज कर सकते हैं जब हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या हैड को यूज करते हो, और हैज हैव हैड को यूज करने का यहां कोई चांस ही नहीं है, तो सीन तो नहीं आ सकता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के आ सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती हैं। क्या कहा मैंने कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म कौन से वाली फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, ये अगर मेन वर्ब होंगी तो इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो हैव की फॉर्म्स होनी चाहिए, हैज हैव हैड, है ना, और आईएनजी फॉर्म से पहले बी की फॉर्म होनी चाहिए, इज आर एम वाज वर। सिंपल सी बात है, नोट कर लेना, लिख भी लेना अपने शब्दों में जो मैंने बताया है, वीडियो पॉज करके अच्छे वाले नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट,
अच्छा यहां पर क्या आएगा, तो फिर आई सॉ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट. नेक्स्ट वी इट परफेक्टली. वी, अब भाई नो न्यू नोन हमें मालूम है ना, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहां पर हमें एक बात तो पक्का मालूम है कि हम पास्ट को पढ़ना चाह रहे हैं पास्ट सिंपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव हैड के यूज होती नहीं है, ठीक है ना. तो क्या बचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वी न्यू इट परफेक्टली, हम इसको परफेक्टली जानते थे. नेक्स्ट शी द करेक्ट आंसर. अब बात वही आती है कि ये नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अगर नो आना भी होता तो शी सिंगुलर है, यहां पर एस होना चाहिए था, नोज होना चाहिए था. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लुरल वर्ब दी हुई है, भाई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है बिना एस या ईएस वाली, उसको हम प्लुरल की तरह ट्रीट करते हैं, प्लुरल मानते हैं. तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वर्ब प्लुरल हो गई, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता. तो बातें पास्ट की हैं, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी न्यू. शी न्यू द करेक्ट आंसर, वह करेक्ट आंसर जानती थी, उसे करेक्ट आंसर मालूम था. ही हिज मिस्टेक्स एट लास्ट, उसने अपनी गलतियां लास्ट में देखी. भाई क्या ये सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, सीन हो सकता है क्या, बताइए यस और नो. नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते बिना हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के. शाबाश. तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन. तो ही सॉ हिज मिस्टेक्स एट लास्ट, आखिर में उसने अपनी गलतियों को देख लिया, ठीक है ना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करती हैं. कॉमन सी बात है, फिर से नोट कर लेना, याद रखना, रिवाइज करते रहना. शी अ डे ऑफ, तो ऑप्शन क्या होगा, हैव तो नहीं हो सकता क्योंकि हैव प्रेजेंट वाली फॉर्म है. अगर प्रेजेंट वाली फॉर्म आती तो फिर भी सिंगुलर फॉर्म आती ना. अब शी के साथ में हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज, ये आना चाहिए था, वो यहां पर दिया नहीं है, तो हैव भी नहीं आ सकता. तो राइट ऑप्शन क्या बचा आपका, राइट ऑप्शन आपका बचा हैड. शी हैड अ डे ऑफ, उसने एक दिन की छुट्टी रखी, ठीक है. नेक्स्ट योर आइडिया, आपका आइडिया, आइडिया सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज. योर आइडिया वॉज ब्रिलियंट, आपका आइडिया ब्रिलियंट था. नेक्स्ट वर्ब नहीं आ सकता ना, आइडियाज होता तो प्लुरल हो सकता था. ही सो मैनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे क्वेश्चन, या उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन. अब ही के साथ में हैव आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हैव तो बेसिक फॉर्म है. भाई हैव आ सकता है आपके आई के साथ में, वी और यू और दे के साथ में, इनके साथ में आ सकता है, ठीक है ना. ही शी इट के साथ में तो है जाता है. अब यहां पर हैज नहीं है, तो पास्ट वाली फॉर्म तो सभी के साथ आ सकती है. जो हैव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है हैड, वो सिंगुलर प्लुरल दोनों के साथ आ सकती है. 20 सेंटेंस हो गए हैं, चलिए सेंटेंस नंबर 21 की बात कर लेते हैं. आई मच बेटर, भाई फीलिंग वर्ब की आई एनजी फॉर्म है. हमने कहा था आई एनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना इज आर एम वॉज वर्ब के मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं. तो इज आर एम वॉज वर्ब यहां पर है नहीं, तो इसका मतलब है ऑप्शन वन तो हमारा होगा नहीं, फीलिंग नहीं होगा. तो वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाएगी फेल्ट, ठीक है ना. तो ही आई फेल्ट मच बेटर, मैंने अधिक अच्छा महसूस किया. ही डिड ए बिग मिस्टेक और मेड ए बिग मिस्टेक. देखिए वैसे तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आ सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए गलती करने के लिए डिड नहीं आता, डू नहीं आता, गलती करने की अंग्रेजी मेक अ मिस्टेक होता है. तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड. तो यहां पर ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ही मेड अ बिग मिस्टेक. ये फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग एरर वाले सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गलती करने की अंग्रेजी डू अ मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है, ठीक है. अब आपने ध्यान रखा है, नोट किया है, नहीं किया है, आपकी अपनी किस्मत, आपके अपने प्रयास. आई हिम ऑल द इंफॉर्मेशन, टोल्ड या सैड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप अगर सैड वर्ब को चुनते हैं तो सैड के बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो सैड को मत चुनना, क्योंकि
क्योंकि सैड के साथ में फिर टू भी तो होना चाहिए, सैड टू हिम ऐसा होता, आई सैड टू हिम। अगर ऑब्जेक्ट है और आपको सैड यूज करना है तो टू होना चाहिए, और अगर टू नहीं है तो सैड टू को रिप्लेस कीजिएगा टोल्ड से, ठीक है ना। सैड को यूज नहीं करना है, फिर टोल्ड का यूज कीजिए, टोल्ड के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, आई टोल्ड हिम, ठीक है ना। टोल्ड को तभी यूज करते हैं जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हो, और अगर आपको सैड के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा मिले तो सैड के साथ में टू भी होना चाहिए, बिना टू प्लस ऑब्जेक्ट हम सैड को नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शी इट वेरी लाउडली, उसने यह बात बहुत जोर से कही। भाई शी सिंगुलर है, से प्लूरल है, ये तो वैसे भी नहीं आ सकता, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल नंबर में है। अगर इसमें एस आई एस होता, शेज होता, तो हम कह सकते थे कि ऑप्शन सेकंड भी हो सकता है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट, पास्ट की बात बताई, यानी कि हमने शी सैड इट वेरी लाउडली, उसने यह बात बड़े जोर से कही, वेरी लाउडली बहुत जोर से। दे इट अगेन, उन्होंने इसको फिर से, भाई फिर से वही बात आती है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा हुआ है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लग जाता तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, वर्ब हमारी सिंगुलर, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर हमारे पास में, सैड, दे सैड इट अगेन, उन्होंने इस बात को दोबारा से कहा। नेक्स्ट, ही मी ऑल द ट्रूथ, क्या सैड हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था कि सैड के बाद में अगर बाद में टू लिखा है और ऑब्जेक्ट है तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है टू नहीं है तो गलत होगा। हाँ, टोल्ड के साथ में डायरेक्ट आ जाता है, अगर बाद में ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड आ जाएगा, तो ही टोल्ड मी ऑल द ट्रूथ, उसने मुझे सारा सच बता दिया। ये सैड और टोल्ड के अंतर को ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी एवरीथिंग करेक्टली, वह प्रत्येक चीज करेक्टली, देखिए यहां दोनों बातें हैं, अगर हम बातें देखें कि भाई हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का चुनाव करना चाहिए, शी डिड एवरीथिंग करेक्टली, यानी कि हम पास्ट में बताना चाह रहे हैं, उसने प्रत्येक काम को अच्छे से किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर डज का यूज कर दें तो डज भी सेंटेंस करेक्ट होता है, लेकिन वहां पर फिर पास्ट की बात नहीं होगी। अगर यहाँ पर पास्ट ना पढ़ रहे होते है ना, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए जाते, कहा जाते कि कौन सा ऑप्शन यूज करने से सेंटेंस करेक्ट होगा, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, बस अंतर क्या होगा कि डज प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा होगा, भाई डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड पास्ट टाइम को शो कर रहा होगा। तो फिलहाल हम क्या ऑप्शन चुने, फिलहाल हमें डिड ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट सिंपल हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, शी बेटर, क्या होगा ऑप्शन, फील तो नहीं होगा, क्योंकि शी सिंगुलर है तो फील्स होना चाहिए था, वर्ब भी सिंगुलर आती और प्रेजेंट होता, वैसे भी हम पढ़ रहे हैं पास्ट, तो क्या आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शी फेल्ट बेटर, उसने अधिक अच्छा महसूस किया। नेक्स्ट, शी ऑफन मिस्टेक्स, वह अक्सर गलतियां, भाई मेक प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, ये तो होगा ही नहीं, तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, शी ऑफन मेड मिस्टेक्स, वह अक्सर गलतियां करती थी। लास्ट सेंटेंस, 30 सेंटेंस आज के हो गए हैं, दूसरे इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको 100 प्लस सेंटेंस कराने की, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा बैठकर, ज़्यादा देर बैठकर पढ़ने का आपका स्टेमिना नहीं है, इसलिए मैं अभी यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो चलो उस लास्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, ही हर एन ऑफर, तो डिड आएगा, मेड आएगा, डिड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है, वो भी होनी चाहिए थी, और ऑफर ऐसे किया नहीं जाता, ऑफर करने के लिए ऑफर रखना होता है, ठीक है ना, मेक होता है, मेक एन ऑफर होता है, तो मेक की सेकंड फॉर्म हो गई मेड, ही मेड हर एन ऑफर, उसने उसके सामने एक ऑफर रखा। तो 30 सेंटेंस का रिविजन हो गया बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही।